Hey guys, what's up? I'm Arslan and you're watching of X4 Studios. So friends, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह एकदम मस्त होंगे. So friends, आज मेरा कॉन्सेप्ट है स्टे एट होम. मतलब स्टे एट होम पे ऊपर आज मैं पिक लेके हैं. So friends, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें. So friends, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. शायद आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जो भी आपको पता है, जो भी PNGs और बैकग्राउंड वगैरह मैं ऐड करूँगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले हमने इस PNG को सेलेक्ट करना है, ठीक है? इस PNG को सेलेक्ट करने के बाद हमने थोड़ा सा पिक को छोटा करके और इसको बड़ा कर देना है ऐसे. इसको ऐसे करने के बाद हमने जाना है इरेजर टूल पर, ठीक है? इरेजर टूल पर जाने के बाद अरेज पर जा के इसको अरेज कर देना है. ये जो अजाफी है इसको हमने अरेज कर देना और इधर से भी इसको अरेज कर देना, ठीक है? ये अरेज करने के बाद आपने सिंपली ओके पे क्लिक करना है और इसकी जो कैपेसिटी है आपने उसको थोड़ा सा कम कर देना. कम करने के बाद आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है? सो फ्रेंड, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है? तो अब हम जाएंगे फिर से एड फोटो पे, ठीक है? अब हम जाएंगे क्लाउड्स पे, ठीक है? क्लाउड के ऊपर पहले इरेजर में जाएंगे. इरेजर में जाने के बाद जो ऊपर वाला क्लाउड है वो हमने लेना है, तो नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, अरेज कर देंगे, ठीक है? इसको अरेज करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे और पिक्चर को थोड़ी स्मॉल करके और जो क्लाउड है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे. जैसे कि इधर गाइस मैंने किया वैसे ही आपने करना है. इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली फिर से ओके पे क्लिक कर देना है. ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से आपने जाना है ऐड फोटो पे, ठीक है? ऐड फोटो पे जाने के बाद आपने फिर से क्लाउड्स की PNG ऐड करनी है. PNG ऐड करने के बाद आपने अगेन जाना है इरेजर टूल पे और यहाँ से ऊपर वाली की अब जो क्लाउड है आपने उसको ख़त्म करना है. तो इसके ऊपर ऐसे रख के फिर से ओके, इसको इधर से क्लिक करके और ओके कर देंगे. अब ये वाली भी हो गई. अब फिर से स्माल पिक करनी है, मतलब पिक का साइज थोड़ा सा स्माल करना है. स्माल करने के बाद आपने इसको जो है क्लाउड को उसको थोड़ा सा बड़ा करना है. यहाँ पर रखने के बाद आपने इसका साइज जो थोड़ा सा कम कर देना है. ये कम करने के बाद आपने फिर ऐड फोटो पे जाना है, ठीक है? अब विंडो की जो PNG है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है? विंडो की PNG सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको पूरी पिक के ऊपर ओके कर देना है, ठीक है? इसको अभी थोड़ी सी हमारी इधर से रह गई है, इसको यहाँ पे रख देना. ये ओके होगी. अब आपने इसको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है? इधर से मैंने इसको सिंपली ओके क्लिक कर दिया. अब हम फिर से जाएंगे ऐड फोटो पे. ऐड फोटो पे जाने के बाद अब हम जाएंगे डेक्स की जो PNG है वो ऐड करेंगे, ठीक है? अब इसको ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको इस जगह पे एडजस्ट कर देना, ठीक है? इस जगह पे एडजस्ट करने के बाद आपने फिर से जाना ऐड फोटो पे. ऐड फोटो पे जाने के बाद आपने अपने मॉडल की जो PNG है उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? इधर से हमारे मॉडल की PNG आ गई है. तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस नॉर्मली बड़ा करना है और इसको इधर बैठा देना है, ठीक है? ये मॉडल्स की भी PNG लग गई है और दूसरी PNG भी लग गई. अब आपने इसको सिंपली ओके कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है? अब यहाँ तक हो गया. अब आपने फिर से जाना है ऐड फोटो पे, ठीक है? ऐड फोटो पे जाने के बाद आपने जाना है स्टे एट होम. ये वाली PNG आपने सेलेक्ट करनी है. इसको आपने इस जगह पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है? एडजस्ट करने के बाद आपने फिर से सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है,
ठीक है, एक पीएनजी रह गई है, अब हमने उसको ऐड करना है। फिर से सिंपली ऐड फोटो पे जाएंगे और इधर से ये शेडो की जो पीएनजी हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम इसको शूज़ की तरफ ले जाएंगे और इधर से पिक जो है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और जो ये पीएनजी इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ताकि पता लगे यार कि ये थोड़ी सी रियल है, मतलब फेक ना लगे। ठीक है, आपने इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेना है। कम करने के बाद आपने इसको हल्के हल्के क्या कहते हैं रेज कर देना, ये यहाँ से ज़्यादा रेज हो गया। आपने जाना है रिस्टोर पे और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है। कम करने के बाद आपने इधर कर देना है। ठीक है, ये यहाँ तक ओके हो गया। अब आपने इसको फिर से सिंपली ओके कर देना है और इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी आपने कम कर देनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी कैपेसिटी कम कर दी। अब मैं सिंपली फिर से ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब ऐड फोटो पे, ये कहाँ पे आ गए, हाँ अब हम जाएंगे ऐड फोटो पे। ठीक है, ऐड फोटो पे जाने के बाद अगेन शेडो की पीएनजी हम सेलेक्ट करेंगे और अगेन हम अपनी पिक्चर को थोड़े से बड़े करेंगे। बड़ा करने हम इसके इधर हम एडजस्ट करेंगे तो इसको भी ऐसे रखेंगे और फिर अगेन जाएंगे रेज़र टूल पे। रेज़र टूल पे जाने के बाद रेज़र को सिलेक्ट करेंगे, साइज़ थोड़ा कम करेंगे और इधर रेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे और जो इसकी कैपेसिटी है वो भी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। सो गाइस, यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये अब हम सिंपली यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सो गाइस, ये हमारी ओके हो गई है। अब हम जाएंगे लाइट रूम बाबा में। ठीक है, अब लाइट रूम का काम थोड़ा सा रह गया, वो हम करेंगे। ठीक है, सो गाइस, मैं अपने लाइट रूम बाबा में आ चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको लाइटिंग इफ़ेक्ट देंगे, मतलब कि यहाँ से दो तरीक़ों से लाइटिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा। पहले आप जाएंगे लाइट पे, ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम 20 पे कर देंगे, हाइलाइट्स जो है वो भी हम 80 पे कर देंगे, शेडो जो है उसको हम थोड़ा सा -40 पे कर देंगे। ठीक है, वाइट्स जो है उसको हम कर देंगे 25 पे। ठीक है, ब्लैक्स जो है वो हम कर देंगे 24 पे। ठीक है, फिर हम जाएंगे टेम्परेचर कलर पे। कलर पे जाने पे बाद आपने जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा कम नहीं करना, मतलब कि आपने -9 तक रखना है। ठीक है, यहाँ से करने के बाद अगर आपने, अब मिक्सिंग कलर पे चलते हैं। यहाँ पे आपने ये वाला सेलेक्ट करके इधर से ये वाला सेलेक्ट करना है, इसको ये इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, आपने इसको ये इफ़ेक्ट दिया और इसकी सैचुरेशन अगर आपने बढ़ानी है तो बढ़ा दें, अगर कम करनी है तो कम कर दें। तो मैं इधर इसकी जो सैचुरेशन है वो मैं रख रहा हूँ 70 पे। ठीक है, 70 पे सैचुरेशन रखने के बाद सैचुरेशन इसकी हम 42 पे रखेंगे। ठीक है, और इसको डन कर देंगे। ठीक है, इधर से हम जाएंगे क्लैरिटी पे, इसकी क्लैरिटी हम 30 पे कर देंगे। क्लैरिटी जो विंग रेड है इसको हम थोड़ा सा इस इधर से करेंगे ताकि हमारी साइड पे जो ना थोड़ा थोड़ा ब्लैक आ जाए। ठीक है, तो जो शेपिंग है वो हम करेंगे 23 और मास्किंग भी हम करेंगे 23। ठीक है, ये हो गया, ये था एक तरीका। ये देखें ज़रा, अच्छी सी लुक बन गई है। ये था एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे उन्होंने रखे होते हैं प्रेसेंट्स, तो आप इधर से जो भी वाइड है
आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इससे भी एक अच्छी लुक आएगी, देख सकते हैं आप, जैसे कि इस पे भी काफ़ी एक अच्छी लुक आ सकती है। ये इससे ये फ़ायदा है कि आप वन क्लिक एंड एडिट योर पिक, ठीक है, मतलब एक क्लिक में आप अपनी एक अच्छी तस्वीर बना सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।